वंदे मातरम साथियों, पेश है आज की मोटिवेशनल स्टोरी। कहानी का शीर्षक है शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी रुचि के साथ उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब चार पांच दिन तक लगातार ऐसा ही चलता रहा, तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? छात्र बोला, सर वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलवाया ताकि उसकी समस्या का समाधान कर सके। शाम को जब छात्र प्रोफेसर साहब के घर पहुंचा, तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया, फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया, नमक की मात्रा ज्यादा थी। ये देख प्रोफेसर साहब ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? लड़का बोला, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, शिकंजी में थोड़ा नमक ज्यादा है? प्रोफेसर साहब बोले, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से ग्लास लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, छात्र ने मना करते हुए कहा कि नहीं सर, बस नमक ही तो थोड़ा ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुन प्रोफेसर साहब गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें गुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है, जिस तरह से बुरे अनुभवों के कारण शिकंजी जो नमक के कारण ज्यादा खारी लग रही थी, वो का वो प्रभाव यहाँ भी है। तो जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी को घोल करके शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, नमक का जो खराब है उसको कम कर सकते हैं, उसी तरह से वैसे ही ठीक बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो भूलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास बोलो, अपने अतीत को जो भी दर्द भरा था उसको भूल जाओ। प्रोफेसर साहब की बात छात्र समझ गया, उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में हम अक्सर अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं, और इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना चाहिए? लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें बुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी जीवन में मिठास आएगी। तो ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक जय हिंद, जय भारत।